Hi guys, this is Wanna Be Star Kid. मैं हूँ अमर। So भाई एक महीने के बाद मैं वापस से एक्टिव हो रहा हूँ, क्योंकि देखो थोड़े से कुछ इशू चल रहे थे मेरे चैनल पे। एंड जो मेरे गेमिंग चैनल को फॉलो करता है, आपको पता है कि वहाँ तो मैं डेढ़ महीने से प्रॉपर एक्टिव हूँ भाई। मैंने वूकॉन्ग की लाइव स्ट्रीम करी, कॉल ऑफ ड्यूटी ब्लैक ऑप्स 6 सारे एपिसोड्स डाल दिए हैं। तो भाई देखो अब प्रॉपर एक्टिव हो चुका हूँ अपने गेमिंग चैनल में। यही सही मौका है, जाओ यार फटाफट से सब्सक्राइब करो। एनीवेज गाइस, नॉट योर टाइप का नया वीडियो आया है जो है इंडियन कॉलेज एंड हॉस्टल स्टोरीज फीचरिंग रिलेशनशिप्स। अब देखो मैं आज ही एक्टिव हो रहा हूँ तो आज ही इसका वीडियो आ गया भाई, सोने पे सुहागा। आई एम वेरी एक्साइटेड भाई, क्योंकि ये बंदा कुछ नया लाता है, डिफरेंट रहता है, लेकिन टर्की और डबल मीनिंग इसके जोक थोड़े ज्यादा हो गए। बट कोई बात नहीं गाइस, चलो फटाफट से ये वीडियो देखते हैं और बाकी की बातें हम बाद में करेंगे। डिस्क्लेमर गाइस, अगर आप लोग को कोई भी इंटरप्शन नहीं चाहिए वीडियो या गाने में, तो प्लीज ओरिजिनल चैनल पे जाके पहले वीडियो या गाना सुनिए, क्योंकि ये वाली वीडियो में मैं बीच बीच में रोक के अपनी कमेंट्री करने वाला हूँ। सो गाइस, सबसे पहले मैं अपने चैनल मेंबर्स को शाउट आउट दे देता हूँ। गाइस अगर आप लोगों की मेरी चैनल मेंबरशिप चाहिए, सिर्फ 29 रुपीज की, आपको स्पेशल पर्क शाउट आउट और ये हेमशर्ट से पूछी मिलेगी। मेरा एक गेमिंग चैनल है वन बी गेमिंग स्टार, जाओ फटाफट से उसको सब्सक्राइब करो यार। 10,000 नहीं हो रहे, मैं 4 महीने से चिल्ला रहा हूँ, पता नहीं भाई गेमिंग चैनल ग्रो क्यों नहीं हो रहा है मेरा, क्योंकि देखो गेम प्ले तो बहुत मस्त है, थोड़ा लग काम नहीं कर रहा। बट एनीवेज फटाफट से कर देना। एक जमाना था जहां प्रेमी अपनी प्रेमिका को प्यार भरी चिट्ठी कबूतर पे बांधकर भेजता था। अरे और आज का जमाना है यादों में ही मर जाओ, क्योंकि साला वो प्रेमिका को कोई और लेके भाग जाता है भाई। डैम, ओके लेट्स गो। प्रेमी अपनी प्रेमिका को प्यार भरी चिट्ठी कबूतर पे बांधकर भेजता था। अरे नहीं, लगता है फिर से मैंने कबूतर के गले पर चिट्ठी बांध दी। अरे अखिलेश, जरा इन कबूतरों को मेरे रूम से साफ करना। तो प्रेमिका भी अपने प्रेमी की आवाज में उन चिट्ठियों को पढ़ती थी। अरे अरे चंद्रेश जी ने चिट्ठी भेजी है, हमें भी बताओ ना। रुक जाओ, सबर करो, बता दियो। नीचे क्या पहना है उस जमाने, नीचे क्या पहना है। अरे भाई उसकी पिंक कलर की चड्डी लेके जा रहा है वो कबूतर। डैम भाई, आजकल तो वीडियो कॉल पे सब हो जाता है भाई। आने की बात ही अलग थी दोस्तों, लेकिन फिर आता है आज का जमाना। अबे मर गया बेचारा, अबे उसी को खा गया कबूतर को खा गया भाई। डैम, वैसे लोग खाते हैं छी भाई, इसलिए स्ट्रीट के मोमो मैंने खाना बंद कर दिया, क्योंकि सुनने में आता है वो कुत्ते का मीट या कौवे का मीट डालते हैं। अबे यार कितनी हॉट है दादाजी। अबे ये मैं हूँ। अबे मैं तो डेटिंग ऐप की बात कर रहा था, इस पे दादाजी क्या कर रहे हैं? और मुसा जी आप आने वाले थे, आपने बताया नहीं। अबे ये मैं हूँ, पानी फिर से आना बंद हो गया है। पापी मैंने परेशान हो गया उस अपार्टमेंट से। ऐसी इतना बुरा भी नहीं है। हाँ, क्योंकि एक सुअर को तो कीचड़ ही पसंद आएगा ना। साले कभी नहाता भी है तू? जरूरत नहीं, तेरा भाई पहले से होम्योपैथी। अबे हाइजीनिक होता है वो। हाँ वही। अच्छा फिर अपने दोनों हाथ उठाइयो। ये ले। अरे भोपाल गैस कांड 2.0। अबे नहीं यार। अच्छा ठीक भी हो गए सब। वाओ फिर से मत करना ये, और क्या बकवास जगह यार ये, हमारा फ्रिज काम करता नहीं है, और जरा तू यहाँ की गर्मी देख, मैं तुझ पे थूकूंगा ना वो भी उड़ जाएगा। छी भाई कोई बात नहीं, लेकिन तू देख रहा है पापे। बड़ा ही गाढ़ा मुंह पे नहीं थूका जाता, कहीं और थूका जाता है। अब समझने वाले समझ गए होंगे भाई। कोई बात नहीं, लेकिन तू देख रहा है पापे। बड़ा ही गाढ़ा थूक है। हमारा फ्लश टूटा हुआ है, पूरे घर में चिपक लिया है, और नेटवर्क वो तो कभी। ओए यहाँ के कबूतर हकते नहीं भाई, गोलियां चलाते हैं। कल ही एक मासूम को गोली लगी और वो आदमी नहीं रहा। मर गया? नहीं, वो औरत बन के कहीं चला गया है। ओए ये खट्टी खट्टी भाप कहाँ से आ रही है? अबे ओए क्या कर रहा है? मूत रहा है, पिला रहा है। अच्छा गैस करो, गिटार बजा रहे हो? चलो एक घंटे देता हूँ, अब तो पक्का गिटार बजा रहे हो। सही जवाब। पूरे घर में एक अच्छी चीज थी ये टीवी, लेकिन उसमें भी अजीब से चैनल आते हैं। क्या रे शाने? ये देख। क्या देख? ये कैसा चैनल है यार? ये मैं कोई चैनल नहीं, तेरा पड़ोसी है रे। ये कोई टीवी नहीं है शाने। इसकी माँ का मतलब 15 दिन से मैं इसकी जिंदगी देख रहा था। एक सेकंड, फिर वो बाकी लोग कौन थे? अरे तेरी को बेवकूफ बनाने में अपुन को इतना मजा आता था रे। अपुन डेली एक्टर्स लेके आता था, रात भर बजट और स्क्रिप्ट लिखता था। अपुन ने माँ की 25 लाख की FD टोल डाली और घर में सेट लगा डाला रे। मुझे हवा चाहिए। अब अपुन लोग का रियल शो आ रहा है रे, टीवी खरीद के उसमें देखना। पापे एक अच्छी चीज बता जो यहाँ पे अच्छी है। टिप्सी दीदी। हे गाइस, तो आज हमारी पूरी वन। ये तो हर गेमर है भाई, फीमेल गेमर ऐसे ही रहती है भाई, गेम करे समझ जाओ। अभी क्रेजी भाई ने किया था ना रोस्ट, सही किया था भाई। मैं भी एक गेमर हूँ भाई, मतलब माँ बहन अलग कर रखी है भाई इन लोग ने गेमिंग इंडस्ट्री की भाई।
मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। इसी खुशी में मैंने किए हैं केक ऑर्डर जोमेटो स्विगी दोनों से और बुलाया है आप में से एक लकी सब्सक्राइबर को। ये लो, जोमेटो वाले भैया हमेशा स्विगी से पहले आते हैं। स्विगी वाला भी मैं ही है मैडम, ये दूसरा केक है, ये केक काट देता हूँ फिर। अरे आप क्यों काटेंगे? क्योंकि लकी सब्सक्राइबर भी मैं ही है मैडम। एक लेफ्ट वाले चूचे पे ऑटोग्राफ मिल सकता है क्या आपका? मेरा सेट पूरा हो जाएगा। सेट मतलब राइट पे भी किसी ने दिया है क्या? नहीं, राइट वाले पे तो अपन के बिल्ले कालू ने नचोड़ा भरा है, लेकिन वो सल्लू भाई के ऑटोग्राफ जैसा लगता है। बिल्ली ने कैसे? अरे एक दिन वो कालू सैड था तो अपन को लगा माँ की ममता देना चाहिए। अपन ने जैसे ही ममता पकड़ा उसने निप्पल ही उखाड़ दिया। चलो केक काट लेते हैं। चाकू? अरे हाँ, वो तो मेरे ब्लिंकिट से ऑर्डर। ये आपका ब्लैंकेट का ऑर्डर मैडम। अबे तुम तो क्या पापे, मुझे नहीं पता आज ये मोहब्बत के हाथ से अक्सर दिलों को तोड़। भाई कहाँ से स्टोरी कहाँ चली जाती है इसकी? भाई ये क्या सोचता है भाई? पता नहीं नौटेड़ा भाई क्या फूकते हो, मेरे को भी माल चाहिए, वही फूक के मैं गेमिंग वीडियोस बनाऊंगा, क्या पता तब चैनल ग्रो हो जाए, क्योंकि अब तो हो ही नहीं रहा है सारा। तुम मंजिल की बात करते हो, लोग राहों में ही साथ छोड़ देते हैं। भैया आप फिर से सुबह सुबह पी रहे हो, अब मूव ऑन करो ना, आपका ब्रेकअप 2 साल पहले हुआ था। 2 साल आज भी 2 दिन जैसे लगते हैं, आज भी सोचता हूँ तो लगता है जस्ट अभी की बात है। ये मोहब्बत के हाथ शांति भैया अभी की ही बात है। सॉरी मेरा समय बहुत तेज चल रहा है, मेरी घड़ी की निप्पी टूट गई है। सुनो बच्चे, ये घड़ी तुम रख लो। देखो कितना तेज टाइम चल रहा है उसमें। शांति भैया संभालो खुद को, डिप्रेशन में आपका पूरा रंग उड़ गया है। याद है जब मैं उससे पहली बार मिला था? और आज फिर से पापे और आयु की स्कूल बस छूट चुकी है, क्या लगता है शांति बस को हरा पाएगा? ओ गुरु, असली दिक्कत तो लैब 2 में है, जब टिफिन भरवाने के लिए समोसे वाले के यहाँ पे रुकना पड़ेगा। ये क्या, ये तो नया वर्ल्ड रिकॉर्ड है। छा गए गुरु। सिद्धू पाजी, अब मेरी बीवी आने वाली है, आपको जाना होगा। ओए मतलब नो ठोको ताली। यस, नो ठोको ताली। इनके माँ बाप बस की फीस भरते हैं 5,000 रुपए महीना, देखो इन्हें। पर माँ बाप की किसको ही पड़ी है ब्रो, कोई भी जिम्मेदारी थोड़ा लेना चाहता, सही बात है कि नहीं? समझदार है ब्रो तू, कल से हमारे साथ ठेके पे बैठ। थैंक यू शॉर्टी भैया। कोई नहीं, चलो अब बाद में मिलता हूँ। अरे सुनो, हमारी एम्बुलेंस खराब हो गई है मेरे पापा की। और इसी तरह मैं मिला रिमझिम से, हमारी पहली डेट पर, वो मैं और उसका वो मरता हुआ बाप जिसने बीच में ही दम तोड़ दिया था, ऑफ कोर्स क्योंकि सब कुछ स्लो मोशन में चल रहा था। उस दिन हमने मूवी देखी। भाई ये क्या, वो एल्विश की गाड़ी थी और दम तोड़ दिया था, ऑफ कोर्स क्योंकि वो देखो एल्विश लिखा, भाई एल्विश उसके पीछे क्या कर रहा है भाई, कि सब कुछ स्लो मोशन में चल रहा था। उस दिन हमने मूवी देखी, बगीचे देखे, लेकिन बेस्ट मोमेंट तो तब था जब मैंने उसे वो सरप्राइज दिया। वाओ शॉर्टी, डिनर डेट। वैसे पापा को होश आया क्या? वो बस बेहोश थे क्या? हाँ मैंने बताया तो था, याद करो। पापा को पता लगता है जब मैं स्लो मोशन में था। और शॉर्टी तुमने ये बिन लकड़ियों के आग कैसे चलाई? अरे हाँ, अभी अभी याद आया, पापा को होश आ गया था, उन्होंने मुझसे कहा था शॉर्टी तू है बड़ा चंगा और मेरी बेटी के लिए बेस्ट बंदा, और फिर वो भाग के हरिद्वार चले गए। क्या? हाँ अजीब बात है, पापा तो चल नहीं सकते। अरे हाथों के बल चल के गए थे। क्या? रुको मुझे उन्हें कॉल करने दो। अरे कॉल मत। शॉन्टी ये आग में फोन कैसे बज रहा है? याद आया, उन्होंने अपना फोन आग में फेंक दिया था ताकि कोई डिस्टर्ब। एक सेकंड, किसी ने फोन उठा लिया। शॉन्टी कोई चिल्ला रहा है। शॉन्टी ये क्या हो रहा है? इधर आओ, मैं बचाऊंगा तुम्हें। प्रेत आत्माएं चली जाओ। भाई जिंदा जला दिया उसके बाप को भाई। वो भी क्या दिन था। ओ हाँ शॉन्टी भैया, उस दिन तो हमारे बस ड्राइवर ने एक नर्सरी के बच्चे की बोतल में देसी पौआ मिला दिया था। वो बच्चा जब घर घर खेल रहा था। बाप रे बाप, छोटे से बच्चे की बोतल में देसी पौआ, भाई वो बच्चा क्या उधम मचाएगा अपने टीचरों के सामने। सब पे हाथ उठा रहा था। तुझे कैसे पता? और क्योंकि मैं उसकी बीवी बना था। डाइवोर्स लेना पड़ा मुझे अपने पति से। अबे तू चल यार, हमें लेट हो रहा है, अपार्टमेंट देखना है। अंकल आप ना एक सस्ता और बढ़िया सा अपार्टमेंट दिखा दो प्लीज। बेटा अपार्टमेंट है तुम्हारी मौसी थोड़ी ना, या तो सस्ता मिलेगा या तो बढ़िया। एक उंगली पकड़ो ये वाली। ठीक है, मार देंगे आज मनोज को। अरे क्या, हमारे पैसे नहीं दे रहा है। अच्छा फिर दूसरी उंगली में क्या था? अरे उसमें तो हम और हमारी बीवी आज आइसक्रीम चूसने वाले थे। अंकल बढ़िया प्लान है, यही करो ना। अरे कैसे करे, मार रहे ना उन्हें। मनोज बीवी कही तो ना मैं। चलो आओ तुम्हें अपार्टमेंट दिखाए। ये 500 रुपए महीना, सबसे चीप। बाथरूम तो सही लग रहा है अंकल, बाकी घर भी दिखाओ ना। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये किचन। आ जाओ, ये बेडरूम। वाह अंकल 500 रुपए में 3 कमरे। अरे नहीं बेटा, हम इसके अगल बगल घूम रहे थे। अरे तुम्हें हॉल दिखा रहा तो भूले। भाई भूत, वो देखो भूत है वहाँ पे। आ जाओ, ये हॉल। अरे अंकल इसमें 3 लोग कैसे रहेंगे, आपको महंगा चाहिए। आ जाओ,
यह सी फेसिंग बंगला आलीशान। वाह अंकल क्या घर है, बाथरूम भी दिखाओ ना। अरे गवार ये बाथरूम ही है। घर तो अलग है, 5 लाख रुपए महीना, बगल में कोई सेलिब्रिटी टीवी रहता है। अरे अंकल वो 5 लाख दे सकता है, हम थोड़े ना। अरे वो भी 5 लाख नहीं देता है। क्यों? अरे क्योंकि उसके बगल में थोड़े ना सेलिब्रिटी टीवी रहता है, उसके बगल में तो तुम रहोगे, वो बस 20,000 ही देता है। अंकल कोई मिड रेंज अपार्टमेंट, मिड रेंज चाहिए। आ जाओ आ जाओ। डैम ये क्या लल्ला घर है भाई, बिग बॉस का घर। इतने अपार्टमेंट देखे कोई पसंद नहीं आया। पास ही में एक और अपार्टमेंट है, वो भी देख लो। यहाँ पानी पूरे समय आता है, फ्रिज भी बढ़िया है, और जरा ये धासु टीवी तो देखो। अरे हाँ अंकल इतने घरों में से ये सही लग रहा है। फिर हम उन लॉन्डो से बात कर लेते हैं जो ये घर छोड़ के जा रहे हैं। क्या पागल लोग इतना बढ़िया अपार्टमेंट छोड़ के जा रहे हैं। वही ना। अरे अभी कौन कॉल कर रहा है? हेलो। हाँ बे तो तुम अपार्टमेंट छोड़ रहे हो? हाँ बे मिल गया हमें बहुत बढ़िया घर। ठीक है फिर सामान खाली कर लो आके। ठीक है अंकल, हम बस पुराने घर से सामान। What the hell is this? ये क्या है? खाली करके आते हैं। ठीक है जब तक हम भी पड़ोस वाली गुरविंदर से बात कर लेते हैं। कैसे हो गुरविंदर? ओ बढ़िया पाजी, आप कैसे हो? बहुत रह लिया हम इस घटिया घर में। भाई क्या कर रहा है? इस घर को इसकी औकात दिखा रहा हूँ, चल अब जल्दी सामान उठाते हैं। अबे उसी घर में तो आ गया। ये देख ये होता है घर, अब लग रहा है घर जैसा। मुझे भी बड़ा पॉजिटिव लग रहा है। अरे मैं ये चाबी देना तो भूल ही गया, एक सेकंड। हाँ वही घर में रहता था, वही घर को छोड़ के उसी घर में आया। वाह भाई इतना फुद्दू दिमाग का है इसका भाई। यही चाबी तो इस दरवाजे का भी है। क्या ओए, यहाँ के बंदों ने भी अपनी तरह दीवार पे फोटो लगाई है, और ये राइट वाला बंदा तो तेरी तरह ही दिख रहा है। बाकी इस सरदार का कुछ नहीं कह सकते, थोड़ा मोटा और बदसूरत है, और इनके फ्रिज में भी हमारा ही खाना है, और इनका तो फ्लश भी टूटा हुआ है। ओए यहाँ पे तो टिप्स ही दी गई। हमारा ही अपार्टमेंट है इसकी माँ का, तो तुम ही हो आयु। चाबी दो इधर। ये लो बेटा अपने नए घर की चाबी, हम चलते हैं। ओए कुछ तो बात है इस घर में, लगता है शॉन्टी भी अभी आ गए। अरे माफी चाहूंगा, हमारा वो फोटो यार रह गया था। अब ओए ओए व्हाट इन दी मल्टीवर्स मैडनेस इज दिस भाई, डुप्लीकेट्स भाई साहब, मल्टीवर्स भाई क्या बात है, नॉट योर टाइप। बोला था रे सरदार थोड़ा मोटा है। पता नहीं भाई ये कौन सा माल फूंकता, मेरे को भी माल की बहुत जरूरत है भाई। यहाँ से स्टोरी जाती है और भाई यहाँ से निकलती है, भूल जाओ भाई क्या होता है, बट मजा आता है क्योंकि देखो आफ्टर एंटरटेनिंग होनी चाहिए, एंड एंटरटेनिंग थी वीडियो, बट ये लास्ट में मल्टीवर्स कहाँ से आ गए भाई? अब ये क्या आगे कैरेक्टर्स कुछ मल्टीवर्स खेलने वाला है या फिर क्या? ये हिंट भी हो सकती है, नेवर नो भाई। तो एनीवेज गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जल्दी मिलता हूँ मैं आपको, बाय बाय।